Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss how to make beautiful secret message candles for your loved ones, or you can customize these types of candles for your clients as well. So without wasting any time, let's just start with the video. So guys, for this secret message candle I am going to use this jar, and you need some beads. If you don't have these types of beads, कोई problem की बात नहीं है, मैं आपको इनके बिना भी कैसे secret message बनाते हैं ना उसका proper आपको tip देने वाली हूँ. So इस video को complete देखना, I am sure ये video आपको काफ़ी interesting लगेगा. Okay, इस वाले jar के अलावा मैं यहाँ पर कुछ polycarbonate jars भी use करने वाली हूँ. Okay, like this. अगर आपके पास में ये नहीं है तो this heart shape आप use कर सकते हो. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दीज टाइप्स ऑफ कंटेनर्स एज वेल. तो आपके पास जो भी टाइप का मोल्ड हो, जार हो, कंटेनर हो, आप आराम से बना सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू प्रिपेयर योर जार. ओके, ये हमेशा हमें अच्छे से हमारे जार को क्लीन करके विक को प्लेस करना होता है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी विक को सेंटर ऑफ द जार प्लेस कर दिया है. ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स मेरे पास में रखे हुए हैं उनके लिए मैं वन इंच की हाइट वाली विक यूज़ कर रही हूँ. ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप ये घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, As we all know, before pouring you have to prepare your jar, you have to preheat your jar perfectly. चाहे आप किसी भी टाइप की कैंडल बना रहे होगे, आपको ये वाला स्टेप हमेशा फॉलो करना है. ओके, नाउ माई वैक्स इज रेडी कम्प्लीटली. आई एम यूजिंग प्योर सोए वैक्स फॉर दिस कैंडल. जार कैंडल्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा सोए वैक्स ही यूज़ करो. ओके, तो इस कैंडल को बनाने के लिए वट ऑल यू हैव टू डू, आपको अपने जार को 70-80% वैक्स से फिल कर लेना है, एंड देन लेट इट बी फॉर सम टाइम. जब तक कि वो सेमी ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपको उसको टच नहीं करना है, एंड थोड़ा सा वैक्स रख लेना है फॉर सेकेंड पोर. ओके, आफ्टर 15-20 मिनट्स यू कैन सी ये मेरा जो जार है, आपको दिख रहा होगा वैक्स सेमी ड्राई हो गया है. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लेस मैसेज बीड्स. यू कैन राइट एनी मैसेज वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, ओके, आफ्टर दिस योर जार इज़ रेडी फॉर सेकेंड पोर. उसके बाद मैं इसको कम्प्लीटली ऊपर तक अच्छे से वैक्स को पोर कर रही हूँ, एंड देन वी विल लीव इट फॉर सम टाइम अगेन. गाइज, अगर आपके पास में इस तरह की मैसेज बीड्स नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से कोई भी हार्ड आपके पास में शीट रखी होगी तो आपको उसको कट कर लेना है राउंड शेप में, और जिस भी शेप का आपके पास में मोल्ड है उस शेप में आपको कट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ. And then you can write your message, but make sure कि आप center में message ना लिखो. Okay, corners पर लिखो, because center में we just have to place our wick. Okay, so इस तरह से मैंने अभी लिखा है happy birthday, you can write any message. Okay, after this you can place your message at the bottom of this jar and place your wick like this. कार्डशीट वाले मैसेजेस को हम हमेशा बॉटम में ही प्लेस करते हैं ताकि बर्निंग के टाइम पे हमारी वैक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके, अब मैं इस वाली कैंडल के लिए यूज़ करने वाली हूँ पैराफिन वैक्स, सो दैट आपको टाइम का भी आइडिया मिल जाएगा कि कितने टाइम में आपका मैसेज अपेयर होता है. ओके, वैक्स पोर करके आपको इसको 3-4 आवर्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है. Now we are preparing our third secret message candle. उसके लिए मैंने ये हार्ट शेप वाला जार लिया है, और इसमें मैंने फर्स्ट लेयर पिंक कलर की वैक्स से पोर कर दिया है. ओके, व्हाट आई एम डूइंग, वो मैंने कम्प्लीट ड्राई कर दिया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया था तो वो कम्प्लीट ड्राई हो गया था. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं थोड़ा सा वैक्स इसमें पोर कर रही हूँ, एंड आई एम पुटिंग माई बीड्स अगेन. ओके, उसके बाद में फिर से इसको 2 मिनट तक सेट होने के बाद में आप फिर से लास्ट लेयर ऑफ योर वैक्स पोर करोगे. ओके, एज यू कैन सी ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, और आपके मैसेज बीड्स और मैसेज कार्ड सारा कुछ इनविजिबल सा हो रहा है अभी. जैसे ही आपका वैक्स सारा ड्राई हो जाएगा तब आपको अपना मैसेज बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा. ओके, सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 6-7 आवर्स. ओके, फाइनली यू कैन सी माई कैंडल्स आर रेडी. इट्स टाइम टू बर्न एंड चेक कि ये कैसे आपके मैसेजेस जो हैं वो विजिबल होंगे.
यहाँ पे मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया है सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। ग्लास जार में मैंने सिर्फ सोया वैक्स यूज़ किया है, ओके। एल्यूमिनियम जार में आई हैव यूज पैराफिन वैक्स, एंड हार्ट शेप जो मेरे पास जार था उसमें मैंने यूज़ किया है ब्लेंड ऑफ सोए प्लस पैरा। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी वाली कैंडल कितने टाइम में बर्न होती है, उनका बर्निंग टाइम का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। सो 30 मिनट्स हो गए हैं, एज़ यू कैन सी मेरी जो हार्ट शेप्ड कैंडल है वो बहुत अच्छे से अपना मैसेज शो कर रही है, यू कैन सी। और कितना, मतलब अगर हमने ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया था रेड एंड वाइट तो ये बर्न होते टाइम पे और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सिंगल कलर के कंपैरिजन में ये जो लेयरिंग वाली हमने कैंडल बनाई थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप किसी को भी ये कैंडल गिफ्ट करोगे ना तो वो सच में बहुत अमेज्ड फील करेगा, किसी को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप अपने घर पर भी इसको ट्राई कर सकते हो। एज़ यू कैन सी दिस कैंडल, ये 31 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं और ये अभी थोड़ा सा ही आपको मैसेज विजिबल होना स्टार्ट हुआ है। 1 आवर और 1.5 आवर के बाद में ये प्रॉपरली मैसेज विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर 1 आवर दिस इज द स्टेटस, यू कैन सी योर कैंडल्स। कितने अच्छे से आपके मैसेजेस विजिबल हैं, यू कैन सी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से अब आइडिया मिल गया होगा कि सीक्रेट मैसेज कैंडल्स आपको कैसे बनानी है। अगर आपके पास में इस तरह के लिए कैंडल्स के लिए कोई स्पेसिफिक कंटेनर्स कोई जार्स नहीं है तो आप घर पे रखा हुआ कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हो, और आपके घर में जो नॉर्मल कैंडल्स होती है ना आप उनको मेल्ट करके भी ट्राई कर सकते हो इन केस आपके पास में वैक्स अवेलेबल नहीं है। बट ये ट्राई करना, ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको भी आइडिया। सो या अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।